हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं हरियाली कोफ्ते। बनाएंगे लौकी, मेथी और धनिया पत्ती सब मिक्स करके। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अभी ये 2 टेबल स्पून ऑयल रख दिए, गैस पे गर्म हो गया ये। इसमें जीरा डाल देंगे, ये जीरा भुन गया है। इसमें अब ये एक बड़ा साइज का प्याज है और 2 हरी मिर्च और 4-5 कड़ी पत्ते। इसके रॉयल इसको बस एक लोटी थे, बाद में ग्राइंड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून काजू का प्यूरा है और ये मगज है, ये भी 2 टेबल स्पून है। और ये खड़े मसाले, इसमें तेज पत्ता है, एक हरी इलायची है, आधी बड़ी इलायची है, ये जाय पत्ती का टुकड़ा है छोटा सा, एक ये दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा, और ये 4 लौंग और ये 7-8 काली मिर्ची के। फिर सब कुछ देख लेंगे थोड़ी देर। ये लौकी है, 1 कप लौकी है, ये करीब 100 ग्राम लौकी होगी। ग्रेटर से ग्रेट करके उसका पानी निचोड़ दिए। और ये हरी धनिया पत्ती है, ये भी 1 कप है। और ये मेथी पत्ता है, इसको हल्का सा बॉईल कर लिए, ये भी 1 कप था, सिकुड़ के इतना हो गया है। नमक डाल के हल्का सा बॉईल करके नीचे हो दिए, तो इसके साथ करवा पर निकल निकल जाएगा। और इसमें टमाटर डाल देते हैं, 4 टमाटर है अपनी सॉफ्ट किया हुआ है, इसको इसमें डाल देते हैं। नमक डाल दें थोड़ी सी, ये धनिया पत्ती और ये मेथी को ग्राइंड कर लेंगे इसको। और ये 2 हरी मिर्च है, ये थोड़ा सा बेट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा अदरक इसमें ही डाल देते हैं। ये दाल सिद्ध है, ठंडा होने के लिए रख दे सही, बस उसे इस पत्ते से निकाल देंगे बाहर। ये धनिया पत्ती, मेथी के पत्ते और अदरक, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, इसको ग्राइंड कर लेते हैं एक बार। इसमें हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे ना, इसको निकाल लेते हैं बस। और इसमें लौकी ग्रेट की हुई डाल देते हैं, लौकी डाल दिए हैं। और इसमें 1 चम्मच बारीक प्याज डाल देंगे, ये थोड़ी सी साबुत कटी हुई धनिया पत्ती भी डालेंगे और ऊपर से। और ये मसाले में नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची डाल दी है इसलिए इसमें लाल मिर्ची नहीं डाल रहे, ये थोड़ी सी हींग है, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची पीसी हुई है। अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें ज़रूरत के हिसाब से बेसन डालेंगे। ये मोटी सौंफ थोड़ी सी डाली, 1 टीस्पून है ये, 1 कप बेसन है, ज़रूरत के हिसाब से डालते हैं इसमें बाइंडिंग के लिए। ये लग जाएगा पूरा 1 कप बेसन। इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ये 2 पिंच होगा, ये इससे क्रिस्पी बनेगा। अच्छा, इधर ऑयल गर्म हो गया है, कोफ्ते बना लेते हैं। इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे इसे।
कोफ्ते सीख रहे हैं, जब तक ये ठंडा हो गया है प्याज टमाटर इसको भीत लेते हैं एक बार। ये मसाला पीस गए हैं। ये कोफ्ते मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ, तेज में सेकेंगे तो अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। ये कोफ्ते सिक गए हैं, ये निकाल लेते हैं। ये 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए हैं इसमें कोफ्ते की ग्रेवी के लिए। ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, 5-7 टुकड़े काजू के हैं तो तल के निकाल लेते हैं बन। तो निकाल लेते हैं बन। ये ऑप्शनल है, गार्निशिंग के लिए मैं कर रही हूँ। और ये 2-3 हरी मिर्च चेस्टरी कंसन थी। थोड़ी सी राड़ी। अब ये एक छोटा साइज का प्याज है और ये 4-5 कड़ी पत्ते हैं। ये 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप अगर अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं इसको, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी से भी अच्छा बन जाता है। ये थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक है। ये प्याज सिक गया है, इसमें अभी ये ग्रेवी पीसी हुई ग्रेवी डाल देंगे। फिर ये ग्रेवी में ऑयल आ जाए जितने सेकना है इसको। ये ग्रेवी सिक रही है जितने, इधर एक पेस्ट बना लेते हैं मसाले का। 3 टेबल स्पून ये 3 बार बड़े चम्मच ही है, ये दही है। ये आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और ये मसाले हैं, ये थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला है ये। और ये सांभर मसाला है, 1-1 टीस्पून है ये पाव भाजी का मसाला और ये सांभर मसाला। और ये है किचन किंग, 1 टीस्पून ये सब। ये चना मसाला है, एक बार डाल के देखिए ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसमें ये थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून है। और ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और ये 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च है। इसमें डाल दे, इसमें जो दही लगा हुआ था ये इसमें पानी डाल के इसमें डाल देते हैं। ये ग्रेवी हो गई है, उसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेते हैं। अब इसको सर्व कर लेते हैं।
ये पहले कोफ्ते रखे और ग्रेवी डालेंगे ऊपर से खाते समय, तो क्या ये ज़्यादा नरम नहीं पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। ये कोफ्ते हो गए हैं, देखिए वो ग्रेवी में डालने से सॉफ्ट हो गए एकदम। इसको आप राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। हरियाली कोफ्ता बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारे इस कोफ्ते की रेसिपी पसंद आ जाती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।